Yesterday, I guess we finished the scheme, am I right? Am I audible to all? Masira? Sakina? Yes. So yesterday we finished with the diagram, am I right? Scheme we finished. Now understand now. Who Genesis? Is again divided into three phases, जैसे spermatogenesis में हुआ था. First one, multiplication phase. Second, growth phase. Third, maturation. I hope you remember, in case of spermatidogenesis, three phases same thing. In case of spermatidogenesis, three phases same. So here also oogenesis, three phases. So let's see, one by one mein diagram dekhna hai aur आगे ये कर रहा है, ठीक है? So it is divided into three phases. So let's see what are the three phases. First one, multiplication phase. इस फेज में क्या होता है? The diploid primordial germ cells or simply germ cells. अब जर्म सेल्स भी बोल सकते हो, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बोल सकते हो, योर विश. डायग्राम को देखना, द डिप्लॉयड प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन and forms many oogonia. तो यहां germ cell से क्या बन रहा है? Oogonia बन रहा है. लेकिन division कौन सा use हो रहा है? माइटोसिस. इसीलिए आप डायग्राम को देखो, जर्म सेल डिप्लॉयड है और ओगोनिया भी डिप्लॉयड है. डायग्राम में यू कैन सी फर्स्ट स्टेप, दिख रहा है? आया ना? नहीं, ड्रॉ नहीं किया. ड्रॉ किया ना? हाँ, तो दिखाई दे रहा है जर्म सेल से बना क्या? ओगोनिया. जर्म सेल भी डिप्लॉयड है और ओगोनिया भी डिप्लॉयड ही है. क्यों दोनों डिप्लॉयड हुए? क्योंकि माइटोसिस हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है. क्लियर? कुछ एक्सप्लेन करना है? नाउ लेट्स सी. सेकेंड,
सेकेंड फेज दैट इज ग्रोथ फेज, पूजेनेसिस का सेकेंड फेज। तो ग्रोथ फेज में क्या होगा देखो, ड्यूरिंग दिस फेज सिंथेसिस ऑफ योक टेक्स प्लेस। ओगोनिया में क्या बन रहा है, योक बनेगा, सिंथेसिस ऑफ योक टेक्स प्लेस। नाउ ये जो सिंथेसिस ऑफ योक है ना, सिंथेसिस ऑफ योक, इसको और एक नाम है विटेलोजेनेसिस। सिंथेसिस ऑफ योक इज ऑल्सो नोन एज विटेलोजेनेसिस। बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट इज वन मार्क क्वेश्चन है। एंड वन मोर थिंग, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन वाइवा को पूछा जाएगा व्हाट इज विटेलोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ योक इन दी एग। Now, then, yolk takes place. Second, the size of oogonia increases. Iska size bhi increase hoga. Remember, and its overall volume increases, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। देन द ओगोनिया डिफरेंशिएट्स इनटू प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट बन जाएगा। तो आप स्टेप को देखो, पहले स्टेप में जर्म सेल से बना ओगोनिया, अब सेकेंड स्टेप में ओगोनिया से बना प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट का हमेशा आपको साइज बड़ा दिखाना है, थोड़ा बड़ा दिखाना है, इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज इन केस ऑफ ओजेनेसिस, दोनों केस में साइज आपको थोड़ा बड़ा दिखाना है। रीजन क्या है, इसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना, दो फेज हो गए। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। इज देयर एनी डाउट टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी प्रॉब्लम? So two steps, no, ठीक है। अब आते हैं थर्ड फेज को, दैट इज मैच्यूरेशन फेज। इस फेज में होगा क्या, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी ओसाइट अंडरगोस मियोसिस। यहां मियोसिस में जा रहा है, फर्स्ट इट अंडरगोस रिडक्शन डिवीजन
that is meiosis one. Meiosis one में जाएगा and forms two unequal cells. दो अनइक्वल सेल्स बनाएगा, दैट इज वन लार्जर सेल और उसका नाम क्या है, डायग्राम देखो, जो बड़ा सेल बना उसका नाम क्या, सेकेंडरी ओसाइट कॉल्ड एज सेकेंडरी ओसाइट, जिसका नाम सेकेंडरी ओसाइट है. एंड वन स्मॉलर सेल विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट मोलर बॉडी, विच इज कॉल्ड एज तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलार बॉडी बोल. क्लियर, स्टेप्स को देखो, डायग्राम देखो तो समझ में आएगा. लुक एट द डायग्राम, सी द डायग्राम मेनली. प्राइमरी ओसाइट मियोसिस वन, दो सेल्स बने, एक छोटा एक बड़ा. बड़े का नाम है सेकेंडरी ओसाइट, छोटे का नाम है फर्स्ट पोलार बॉडी. एम आई राइट, डायग्राम में ठीक है. अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट क्या होगा. ऊपर का लाइन मुझे चलो ठीक है, मैं लिख देता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं. देन द सेकेंडरी ओसाइट अंडरगोस इक्वेशनल डिवीजन. Undergoes meiosis two. Am I right or wrong? Undergoes meiosis two. Remember. अब क्या करेगा? अब क्या होगा? And forms two unequal cells. Am I right? And forms टू अनइक्वल सेल्स, फिर से दो अनइक्वल सेल्स बनेगा. ठीक है, दी स्मॉल सेल, स्मॉलर वन कॉल्ड एज सेकेंड पोलार बॉडी. लार्जर जो बड़ा है वो सेकेंडरी ओसाइट है. अंडरस्टूड, जो बड़ा वाला है अभी सेकेंडरी ओसाइट है. एंड द लार्जर इज सेकेंडरी ओसाइट, इससे सेकेंडरी ओसाइट है. अब एट द सेम टाइम At the same time, the first polar body is also undergoing meiosis two. The first polar body is also. अच्छा एक काम करते हैं, ये बीच का स्टेप दिखा देता हूं. And this larger one is called as O. डायरेक्टली वो हम कर रहे हैं, द बेस्ट वे. तो बीच का स्टेप हम नीट के लिए पढ़ेंगे बस, ठीक है. सो इट इज ओ.
At the same time, what is happening? The first polar body is also undergoing meiosis two and forms the third polar body. Tisra polar body. Now, there are three polar bodies formed during oogenesis. Three polar bodies and one functional ovum, egg, oocyte, whatever is formed at the end of oogenesis. At the end of oogenesis. जो डायग्राम में है उसी को एक्सप्लेन किया. अच्छा, अब दो नीट लेवल क्वेश्चन मैंने कल ही आपको विथ डायग्राम पढ़ाया था. एक मियोसिस वन के एक स्टेज में प्राइमरी ओसाइट अरेस्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है. कौन से फेज में? जाइगोटीन. मियोसिस वन, प्रोफेज वन, जाइगोटीन. माइटोसिस के कौन से फेज में सेकेंडरी ऊसाइट अरेस्ट हो जाता है? मेटाफेज में. माइटोसिस मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है. ये दो क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाएंगे. ये कल मैंने आपको बोला था ये आपको नहीं मिलेंगे कभी पर, ठीक है? बट ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस आर दिस. बताओ इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट. Yes, Sakina, secondary oocyte. Right. Good. This is what all about oogenesis. Totally, how many polar bodies are formed? Three polar bodies are formed at the end of oogenesis. अच्छा, अब spermatogenesis को compare करते हैं. वो भी diagram open करके रखो. We already studied it. Yes, three. दोनों को डायग्राम कंपेयर करके मुझे आंसर कर रहा है. आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस वन प्राइमरी ओसाइट फॉर्म्स हाउ मेनी स्पर्म्स? वन प्राइमरी ओसाइट फॉर्म्स फोर स्पर्म्स. करेक्ट है? एक प्राइमरी ओसाइट से चार स्पर्म बन रहे हैं. लास्ट में देखो. अच्छा, अब बताओ इन केस ऑफ ओजेनेसिस one primary oocyte forms how many egg? One. सिर्फ एक बनेगा, क्योंकि बाकी तीन क्या बनेंगे? Polar bodies जो non functional. Clear? तो ये questions भी पूछे गए हैं in case of CET or NEET exam. Any doubts or any problem? कुछ ऐसा जो आप मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हैं? क्लॉक को अर्धी को बोलो बोलो. एनी डाउट्स? कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है तो क्लियर करो. मसीरा, एनी डाउट्स? लक्ष्मी, विशाल, यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो. क्लियर? Now what we are going to do is we are going to compare
स्पर्मेटोजेनेसिस विद रूजेनेसिस से हम कंपेयर करेंगे. हेडलाइन क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस. Let's see. What do you mean by spermatogenesis? Process of formation of sperms. Oogenesis मतलब process of formation of egg. पूरा सेक्शन सीखना. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग. स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है? टेस्टिस में हो रहा है. हमारे तो रॉन्ग. सो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन टेस्टिस. ओजेनेसिस क्या होता है? ओवरी में होता है. ओजेनेसिस टेक्स प्लेस इन ओवरी. अच्छा, कोई बता सकते हैं टेस्टिस में कहां? स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस. यू आर राइट, बट टेस्टिस में कहां? टेस्टिस में बहुत सारे पार्ट्स हैं. सेमी डिफेरस टिब्यूल्स में, याद है आपको, सेमी डिफेरस टिब्यूल्स के में जर्म सेल्स हैं एंड जर्म सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स. ये ऑलरेडी पढ़ा है हमने. सो टेक्स प्लेस. नाउ हियर स्पर्मेटोजेनेसिस में जो ग्रोथ पीरियड है, ग्रोथ फेज है, इज वेरी शॉर्ट. जो ग्रोथ पीरियड है इट इज वेरी शॉर्ट. बट इन ओजेनेसिस ग्रोथ पीरियड इज वेरी लॉन्ग. ये ग्रोथ पीरियड बहुत थोड़ा लंबा है ना. ग्रोथ फेज इज वेरी लॉन्ग. नाउ यू कैन आस्क मी वन क्वेश्चन, सर यहां भी ग्रोथ फेज है, यहां भी ग्रोथ फेज है, लेकिन वहां बड़ा क्यों है या छोटा है? यहां एक इंपॉर्टेंट काम हो रहा था. आई होप यू रिमेंबर विटेलोजेनेसिस. रिमेंबर व्हाट इज विटेलोजेनेसिस? सिंथेसिस ऑफ योग. तो यहां योक बनने में टाइम लेगा. स्पर्मेटोजेनेसिस में फोर फंक्शनल स्पर्म्स आर फॉर्म. फोर फंक्शनल स्पर्म्स बनते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर वन फंक्शनल एग इज फॉर. ये यहां एक बन रहा है, यहां पर चार बन रहा है. सो डिफरेंस देन ये जो स्पर्म्स बने स्पर्मेटोजेनेसिस में, इनका डेवलपमेंट नरिशमेंट कौन से सेल्स करते हैं? सर्टोलाइसेंस. सो डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म
depends on sertolysis. I hope you remember Q. क्योंकि सर्टोलाइज सेल्स आर इन्वॉल्व इन द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग स्पर्म. ये बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है. सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, जर्म सेल्स एंड सर्टोलाइज सेल्स. जर्म सेल्स बनाएंगे स्पर्म, सर्टोलाइज सेल्स स्पर्म्स को नरिशमेंट दें. अब आते हैं डेवलपमेंट टाइप. डेवलपमेंट ऑफ डिपेंड्स ऑन फॉलिक्यूलर सेल्स. डेवलपमेंट ऑफ द एग डिपेंड ऑन फॉलिक्यूलर सेल्स. इसको समझते हैं थोड़ा सा. मैं यहां ऊपर ड्रॉप करके यही ड्रॉ करके दिखा रहा हूं. अब फॉर एग्जाम्पल समझो, सी दिस इज ओवरी, यह है ओवरी, ठीक है. यह है हमारा सेकेंडरी ओसाइट. रुक लेआउट मैं लिख रहा हूं. यस ओ दिस इज सेकेंडरी ओसाइट, यानी कि यह हमारा एग है एक्चुअली, ठीक है. दिस इज एग जो ओवरी में बनता है, क्योंकि ओजेनेसिस टेक्स प्लेस इन ओवरी. अभी हमने पढ़ा था दिस एग, दिस सेकेंडरी ओसाइट इज सराउंडेड बाय मेनी सेल्स, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स. मैंने आपको लाओ पिछली बार भी पढ़ाया है. Now, ये है एक सेकेंडरी ओसाइट और ये है आई एम लेबल इट एज. ये है एग और यू से सेकेंडरी ओसाइट एंड दीज आर फॉलिकुलर सेल्स एंड सेकेंडरी ओसाइट एंड फॉलिकुलर सेल्स टूगेदर कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल. इसको क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल. अच्छा, यूजेनेसिस के वक्त क्या होता है? एट द टाइम ऑफ यूजेनेसिस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा एंड द सेकेंडरी ओसाइट इज सॉरी ओवुलेशन के वक्त रिलीज्ड. रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज ओवुलेशन. आपके टेक्स्ट बुक में अभी भी एक ही है, रिलीज ऑफ एग बोलता है टेक्स्ट बुक, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एग रिलीज नहीं होता. क्या रिलीज हो रहा है? सेकेंडरी ओसाइट हो जा रहा है. अच्छा, अब समझो एग बाहर चला गया, अंदर कौन बचे? फॉलिकुलर सेल्स. ये आगे जाकर बन जाते हैं कॉर्पस लूटियम. ये लास्ट टाइम भी पढ़ाया हूं मैं आपको. इट बिकम्स कॉर्पस लूटियम. ये कॉर्पस लूटियम में जो बचा बचा हिस्सा है ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल का, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओविलेशन कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम. मैं यहां ड्रॉ करता हूं, ये है हमारा कॉर्पस लूटियम. मैं सीएल ड्रॉ करता हूं. Now this CL corpus luteum secretes a hormone called progesterone. You already पढ़ा है. Progesterone. And progesterone is most commonly called as pregnancy hormone. यही pregnancy को female में maintain करता है. I hope ये points clear हुआ. कुछ doubts है तो clear करो. कुछ डाउट्स है तो क्लियर करो. लास्ट पॉइंट इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस
कन्वर्टेड इंटू स्पर्म, स्पर्मेटिक कन्वर्टेड इंटू स्पर्म. बट हियर इन केस ऑफ ओजेनेसिस ओटेड कन्वर्टेड इंटू ओ. यह है डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस. फाइव मार्क क्वेश्चन, इट्स अ फाइव मार्क क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस. एनी डाउट्स और एनी प्रॉब्लम बताओ. कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो लेट इट बी नो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? विशाल, विशाल आर यू देयर? नो डाउट्स. विशाल आर यू देयर? मसीरा क्लियर है. ये लोग क्या करते हैं, मोबाइल क्लास ऑन करते हैं और भाग जाते हैं एक जगह रखकर. ओमकार, विशाल आर यू देयर? अटेंडेंस के लिए ऑन करने का. ओमकार आर यू देयर? सी वन मोर थिंग, यहां आपका अटेंडेंस लिया जा रहा है. आई होप यू नो इट. ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कुछ लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं और अपने नाम के बजाय एवेंजर्स. कल या परसों आई गेस एक पांच दिन पहले ही कोई लड़का गुड्डू. सी आपको आपके घर में प्यार से कुछ भी बुलाते हो हमें मालूम नहीं है, ठीक है? अब गुड्डू बोला तो मैं किसका प्रेजेंट डालूं यहां पर? तो अपने रियल नेम से यू एंटर द क्लास. ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिकल के वक्त इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल अटेंडेंस का, जब आपके 10 मार्क्स कट जाएंगे, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा आपको. यू नो व्हाट, ये बैच रियली हॉरिबल. सच में मुझे लग रहा था कि आप लोग उल्टा सीरियस हो जाओगे. ड्यू टू दिस लॉकडाउन देर इज नो कॉलेज, नो प्रॉपर एजुकेशन. आई अंडरस्टैंड ऑनलाइन हम कितना भी पढ़ाने की कोशिश करें कुछ कमी रह जाती है. लाइव पढ़ाना और सामने खड़े रहकर ऑफलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस. तो मुझे लगा आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां से कुछ मदद नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट क्लासेस, ठीक है. आप कुछ डाउट्स पूछ नहीं सकते क्योंकि आप आ नहीं सकते. ऊपर से एक एडवांटेज था, 35% पोर्शन कम हुआ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कम हो गए आपके, तो उसका एक एडवांटेज आप यूज करोगे, उल्टा सीरियस हो जाओगे. मुझे लगा वो उससे उल्टा हुआ है. You know,
आपको मालूम है आपके ऑनलाइन क्लासेस कब स्टार्ट हुए थे? किसी को याद है? मार्च 22 को। यू वोंट बिलीव मी, मार्च 22 को आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं। काउंट करते हैं, मार्च फर्स्ट ईयर एग्जाम होने के बाद में स्टार्ट किया था ना, मार्च 22 को ही हुआ था शायद। श्योर नाइगर सर थे जब? फर्स्ट नहीं, मार्च 14 को हुआ था ना, सेकेंड को। फिर उसके बाद में 2 दिन कुछ गैप था, उसके बाद में हमने क्लासेस स्टार्ट किए थे मार्च। तो अप्रैल से पकड़ते हैं, लेट्स सी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने हुआ। यू नो दैट 9 महीने हुआ कॉलेज स्टार्ट होकर, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होकर। सी, और 9 महीने बीच में तो 4 या 5 लोग ऑनलाइन क्लास बैठ रहे थे। आपको लग रहा था कॉलेज बंद है? आपके लिए बंद हो सकती है, हमारे लिए नहीं। इन दैट पेंडेमिक ऑल्सो वी आर हियर, हम लोग यहां थे। याद रखना, अटेंडेंस नहीं रहा ना प्रैक्टिकल एग्जामिनर, इंटरनल नहीं रहता, यू नो दैट, एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है। और कल स्टेटमेंट देखा है, किसी भी हालत में 10th और 12th का ऑफलाइन एग्जाम होगा ही, होने ही वाला है। कल एजुकेशन मिनिस्टर स्टेटमेंट दिए, हैव यू सीन, होने वाला ही है। लोग कुछ लोग इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर नॉट ऑफ कर्नाटका, तो इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया ये रूल है। He said कि पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि मेनी ऑफ दी स्कूल्स कॉलेजेस ये बोल फैलाया जा रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली पास करेंगे। नहीं, एग्जाम होगा ही। जो फेब लास्ट वीक में होता था एग्जाम, फेब लास्ट वीक में होता था, रिमेंबर दिस, अब इस बार मार्च अप्रैल लास्ट वीक में होगा। तो यू हैव 4 मंथ्स टू गो, मई में नहीं, अप्रैल, अप्रैल मंथ में एग्जाम्स होंगे। तो आपको मैक्सिमम 1 महीने से 1.5 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, सो बी प्रिपेयर्ड। एक्चुअली मई में वी आर थिंकिंग के अप्रैल मई एंड में होगा, बट उन्होंने बोला है कि मई नहीं हो सकता, उसके पहले ही होने वाला है। तो मई पकड़ कर भी चलते हैं तो यू हैव 5 मंथ्स। अब इसमें से कुछ लोग रेगुलर पहले से बैठते आए, और कुछ लोग तो कल एडमिशन किए। से आपको जैसे आपका आपको पूछने वाले हैं ना, तो वैसे हमको भी 2 लोग हैं, एक तो ये बड़ा मैनेजमेंट, उनको जवाब देना पड़ता है, दूसरा बोर्ड को। कुछ लोग आए, सर कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल, क्या आप 1 साल एग्जाम नहीं बैठेंगे? इस साल छोड़कर अगले साल बैठने को रेडी है? यू डिसाइड योर सेल्फ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, डिसीजन आप पर छोड़ते हैं। इस साल एग्जाम नहीं बैठना, अगले साल बैठने को रेडी हो? नहीं ना, सिंपली सी, टाइम बहुत गया। आपके सामने मैंने काउंट कर कर दिखाया, 10 महीने गए, 10 मंथ्स, 10 मंथ्स पास्ट। कैसे गए? यू नो इट बेटर। आपने पढ़ाई की है कि नहीं है? आई टेल यू द रीजन, जमीन ऊपर से नीचे हो जाए, याद रखना। जो फीस अगर एग्जाम बैठने वाले हो तो मैनेजमेंट कैसा रहता है, जो फीस तय हुआ यू हैव टू पे,
विल नॉट इश्यू अ हॉल टिकट ओनली। हाँ मजबूरी मैं समझ सकता हूं, पहले जैसे नहीं है, विल अंडरस्टैंड एंड आगे जाते हैं ठीक है, बट एट द एंड मुझ पर मेरे पास भी यहां पर आ जाता है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। दो ऑप्शन रह जाते हैं, अटेंड एग्जाम नेक्स्ट ईयर, कोई नहीं करना चाहता, और सेकेंड थिंग एग्जाम अटेंड करोगे तो उसके लिए पढ़ाई भी करनी है, पास भी होना है। अब 10 महीने में कितने लोगों ने कितनी पढ़ाई की है आई डोंट नो, रियली डोंट नो, क्योंकि पिछले साल से अब तक किसी को डाउट नहीं है, पिछले साल से पढ़ा रहा हूं इस बैच को। थिंक लिटिल, यू हैव ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 35% पोर्शन कम होना मतलब पहाड़ कम हुए जैसा। एडवांटेज क्या है मालूम है, 60% पढ़ना है। पहले कैसे था, 100% पढ़ना, 100 मार्क्स का पेपर, 70+30। अब 60% पढ़ो, 100 मार्क्स लो, पढ़ना कम है मार्क्स ज्यादा है। पहले 100% पढ़ना था, 100 मार्क्स आ रहे थे, अब पढ़ना कितना है, 60-65। मार्क्स कितने आ रहे हैं, 100। पढ़ना कम मार्क्स ज्यादा है, और ये पोर्शन आपको आगे नेक्स्ट ईयर जब आप नीट दोगे उसमें भी कम होगा, JEE में कम होगा। यूज दैट एन एग्जाम्पल, यू नो वॉट 30% नीट का पोर्शन, मतलब यू से आपके दो बार PU से हुए जितना होता है ना उतना पोर्शन है। थिंक लिटिल, सिंपली डोंट वेस्ट योर मनी। 5 महीने है, और याद रखना PUC एक ऐसा गंदा सिस्टम है, स्ट्रेट अवे टेलिंग यू, ऐसा गंदा सिस्टम है। पहली बार बैठकर स्कोर करना निकल गए, निकल गए, एक पेपर भी अटका ना, गारंटी नहीं है अगली बार क्लियर होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आई विल गिव यू, एक लड़की थी रीटा यादव, काकती की रहने वाली, सेंट जॉन्स स्टूडेंट, 30 PE पासिंग मैथमेटिक्स, मैथ्स 30 मार्क्स पासिंग है, ओवरऑल 35 से होना चाहिए लेकिन मिनिमम 30, उसको मिला था 28 और 29, एक मार्क से फेल हुआ। यू वोंट बिलीव, पास करने में 4 साल लगे, 4 साल टू पास ओनली PUC मैथमेटिक्स। इफ यू वॉन्ट प्रूफ, कम कौन से साल में थी और कौन से साल में पास हुई, आई शो यू। 1 या 2 मार्क्स से बचा था पेपर, 4 साल लगा। पिछले साल से हम बोलते आ रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़कर दूसरों को थोड़ा भी सीरियसनेस है ही नहीं, टाइम पास के लिए आ रहे कॉलेज को, बस मजा करने के लिए, अब्बा की अम्मी के पैसे डालने को, और कुछ नहीं। हम कुछ आपको जोर से बोलो तो हम बुरे, मारो तो हम बुरे। बहाने क्लास, नेटवर्क इश्यू है, मोबाइल नहीं है, 1000 बहाने। आई डोंट नो व्हेन यू विल स्टॉप गिविंग रीजंस, रियली थिंक लिटिल। इज देयर एनी डाउट टू अंडरस्टैंड? नहीं, एज यूजुअल स्टॉप आस्किंग टू एनी डाउट।
Now one more 2 mark question. Difference between sperm and egg. One more difference. Like headline. Sperm and egg. Sperm और egg के बीच में difference क्या है? Sperm, remember, male gamete है. This is male gamete. This one is female gamete. Female gamete. ये जो sperm है, small and motile. And it can move from one place to another place. But egg is large. ये बड़ा है लेकिन नॉन मोटाइल है. नॉन मोटाइल है. ये जो स्पर्म है इट इज अ टैडपोल शेप. टैडपोल शेप. एंड दिस एग इज सर्कुलर और ओवल शेप. ऑलमोस्ट ग्राउंड में. द स्पर्म बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. कौन कौन से? हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. Middle piece and tail. Now, here you see such a specialization in case of egg is absent. Dekha? पसंद है तो बोलो. आयान को फोन करें, बच्चे को फोन करें. आयान मुला आपकी तरह. देखा और उसे बोलने बोलो. सो ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन है क्या इसमें? नहीं है. नो सच स्पेशलाइजेशन. सो राइट. डू नॉट हैव रिजर्व फूड. स्पर्म में किसी भी तरह का रिजर्व फूड नहीं है. एग में रिजर्व फूड प्रेजेंट है. इन केस ऑफ एग रिजर्व फूड इज प्रेजेंट. स्पर्म इज नॉट कवर्ड बाय एनी स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन. स्पर्म इज नॉट कवर्ड बाय any special membrane. But remember, यहां पर egg is covered by special membranes. And is covered by special membranes. So ये आपको पूछा जाएगा 2 marks के लिए. Write the difference between sperm and egg. No May Sakina, no June May May. Exams. अच्छा, any doubts? कुछ डाउट्स है? ठीक है, विल स्टॉप द क्लास टुडे हियर.